So this is class 2, CS1 class 2. So in this, first we will start with a review of the last class, what we have done, thoda sa. We have done gamma integral hum kyun padhte hain maine bataya tha kyunki hum losses calculate karte hain aur losses ki range 0 se infinity mein hoti hai to zyada tar problems mein gamma integral hi lagta hai even 90% problems mein ye formula hai hamara gamma integral ka beta x hamara loss hai jo ki range 0 se infinity hai x ki power alpha minus 1 e की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स सो अल्फा माइनस वन से एक नंबर बड़ा है गामा अल्फा अपॉन लैम्डा की पावर अल्फा और हमें पता है कि गामा अल्फा अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल होगा अगर अल्फा बिलोंग करेगा कोई पॉजिटिव इंटीजर में या नेचुरल नंबर में और गामा अल्फा होगा अल्फा माइनस वन गामा अल्फा माइनस वन इफ अल्फा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर और हमने ये भी पढ़ा था कि गामा 1/2 को रूट पाई बोलते हैं गामा हाफ इज रूट पाई तो ये बातें हमने की थी मेरे बेटा दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर द गामा इंटीग्रल ओके आज हम अभी सीखने जा रहे हैं मेरे बेटा बीटा इंटीग्रल तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है आपको इंटीग्रेट करने का बेटा बीटा तो ये क्या कहता है ध्यान से देखें पहले आप ये एक्स है एक्स की रेंज है 0 से 1 बेटा हम ना फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 में होती है हमेशा तो ये आज रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आएगी बात आपको अभी फिलहाल एज अ फॉर्मूला समझ रहे हैं इसको x की पावर a माइनस 1 एंड 1 माइनस x की पावर b माइनस 1 इस तरह से फंक्शन को बीटा इंटीग्रल बोलते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को अब a माइनस 1 से एक नंबर बड़ा क्या है a और b माइनस 1 से एक नंबर बड़ा b so the answer is beta ab a minus 1 se ek number bada aur b minus 1 se ek number bada yes so next is example dekhiye beta agar x ki range hai 0 se 1 x square 1 minus x dx so 2 se bada number 3 beta 3 aur 1 se bada number 2 beta 3 2 aise ho sakta hai ऐसे ही फिर से देखो 0 से 1 x 1 माइनस x टू द पावर 5 dx बीटा 2 5 और 2 6 मेरे बेटा बीटा 2 6 ईशा 5 से बड़ा नंबर 6 ईशा 1 से बड़ा नंबर 2 बेटा यस सर हाँ x 0 से 1 है और 1 माइनस x की पावर 3 है इसको बीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा बीटा 1/4 यस तो इस तरह से एक्सप्रेशंस को हम लोग बीटा इंटीग्रल बोलते हैं बेटा अब इसमें यहां पर काम की बात देखिए कि बीटा ए बी को हम लिख सकते हैं बीटा बी ए फर्क नहीं पड़ता ए बी लिखो या बी ए लिखो हमारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नेक्स्ट एक और है इसका फॉर्मूला बीटा ए बी का फॉर्मूला क्या होता है बीटा ए बी है गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए प्लस बी ये है फॉर्मूला राइट तो हो गया भाई हमारा क्वेश्चन तो समझो देखो बीटा 3 2 को क्या लिखेंगे गामा 3 गामा 2 अपॉन गामा 3 प्लस 2 मतलब 5 यही तो फॉर्मूला था देखो
बीटा ए बी को गामा ए, गामा बी, गामा ए प्लस बी। यस सर। हाँ, और गामा थ्री क्या होता है मेरे बेटा? टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल मेरे बेटा। सो व्हाट इज द आंसर? वन बाय ट्वेल्व। बिना इंटीग्रेशन की आंसर आता है, देखो बीटा टू सिक्स मेरे बेटा, गामा टू, गामा सिक्स अपॉन गामा टू प्लस सिक्स इज एट मेरे बेटा। गामा टू वन फैक्टोरियल, गामा सिक्स फाइव फैक्टोरियल, गामा एट सेवन फैक्टोरियल। तो वन बाय फोर्टी टू आएगा क्या मेरे बेटा? गामा वन, गामा फोर, गामा फाइव मेरे बेटा। सो वन इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल, तो आंसर इज वन बाय फोर। आई होप समझ में आ गया। यस सर। यस सर। तो ये मैंने बता दिया बीटा इंटीग्रल। एक और है जो काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा, यूलर्स इंटीग्रल। ऑयलर्स भी बोलते हैं, यूलर्स भी बोलते हैं, अंग्रेजों में किसी भी तरीके से प्रोनंसिएशन कर लेते हैं। जैसे हमारे ने होता था एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते थे। हॉस्पिटल भी लापताल होता है वैसे वो, पर हम बोलते कुछ भी हैं। यूलर्स इंटीग्रल होता लापताल है वो, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, वन बाय रूट टू पाई, ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो सीधा रूट टू पाई आंसर बोलते हैं। और इसका सीधा नाम लगा देना इसका, किसने बोला था। अगर इसको हाफ कर दोगे आप, जीरो से इनफिनिटी कर दोगे, तो आंसर भी हाफ ही हो जाएगा बेटा। Using Euler's integral बेटा, तो बस ये फॉर्मूला है, इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, गामा बना सकते हो चाहो तो, x square को t let करके it becomes solve कर सकते हो आप। Next odd even integral, odd and even integral। Odd integral में क्या होता है बेटा? minus a से a अगर ऑड इंटीग्रल आ जाएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, और सेम माइनस ए से ए में इवन इंटीग्रल आ जाएगा तो आंसर ट्वाइस जीरो से ए, दैट सेम इवन इंटीग्रल। ऑड से मतलब है एक्स, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर फाइव। इवन से मतलब है एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर फोर एंड सो। हाँ जी बेटा, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा हम लोग। ये तो फॉर्मूले कराया मैंने, अभी इनको यूज करेंगे तब मजा आएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज से शुरू कर रहा हूँ आपकी आज की क्लास, ये नेक्स्ट पेज आ गया। सो दिस इज योर चैप्टर जीरो, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है मेरे बेटा, पर ये नहीं कराऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस कोर्स का हिस्सा। This is a very important chapter. Chapter zero का नाम है random variable. Okay, let us start. So chapter zero is your random variable. Now see. तो मैंने जो script बनाई हुई है उसके हिसाब से सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले सुनने की बात है। What is random variable? A variable which denote all the random events happening around us. जो भी हमारे आस पास में रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो बोला सर क्या क्या हो रहा है भाई? तुम देखो, तुम तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हारे आसपास अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है, या तुम्हारे आसपास कुछ भी, मतलब जो वट एवर हैपनिंग अराउंड यू, जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो, जिसको भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो, वो रैंडम वेरिएबल है, वो रैंडम वेरिएबल है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं।
देखो सुनो मेरी बात बेटा, मैं बोल रहा हूँ किसी चीज को भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू देते हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे किस किस चीज को दे सकते हो न्यूमेरिकल, आप कोई चीज मेजर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करोगे तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो वो सब रैंडम वेरिएबल के अंडर में आता है। तो रैंडम वेरिएबल के अंडर में ये सब चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब नोट्स बनते हैं तो ये बात लिखते हैं हम लोग, जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो ईशा बोलती है हेड आया टेल आया, तो हेड टेल इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, लेकिन नंबर ऑफ हेड्स जीरो हेड वन हेड टू हेड या नंबर ऑफ टेल्स, तो वो रैंडम वेरिएबल है। एनीथिंग विच वी कैन क्वांटिफाई और मेजर इज अ रैंडम वेरिएबल। हाँ, नंबर में बात कर सकते हैं ना बेटा उसको हम लोग, इसलिए। तो जैसे तुमने बोला कि सर मैं पास या फेल, तो पास फेल इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। स्कोरिंग द मार्क्स, सर आई स्कोर 45% इज रैंडम वेरिएबल। यस, सो वी हाँ फोकस ऑन नंबर्स। यस, तो मैं लिख देता हूँ ये बात अपनी, तो ये नोट्स बन रहे हैं क्योंकि मैं बार बार तो बनाऊंगा नहीं। रादर फोकसिंग ऑन focusing on toss's result head or tail, toss's result results in head or tail, heads or tail, our focus is on number of heads and number of tails. Yes, number of heads and number of tails. I hope मेरी बात समझ में आई। अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इस चीज को आपको। जनरली मैं बैक्सेस पे इतना डिटेल में घुसता नहीं हूँ क्योंकि हमें न्यूमेरिक। तो इन शॉर्ट फोकसिंग ऑन नंबर्स पे बात हो रही है। हाँ, तो इस बात को ऐसे ले सकते हैं, इन शॉर्ट वी कैन से we want to focus, हम लोग focus करना चाहते हैं numerical value पे, on numerical result। Yes, so whenever we talk about random variable we want to focus on numerical result, and all sample spaces, जितने भी यहां पर sample spaces दिए होंगे आपको, क्योंकि आपको probability calculate करनी होगी, are given in numerical values, are given in numerical values। जैसे मैं कुछ बात बताता हूं भी आपको, numerical values। देखो अब इस बात को समझते हैं, एक ही चीज को दो तरीके से कैसे करते हैं। जैसे कि ये सैंपल स्पेस है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, टॉसिंग टू कॉइन्स, तो सैंपल स्पेस हेड हेड भी आता है बेटा, हेड टेल भी आता है बेटा, टेल हेड। तो हम दो बातें करेंगे, पहले मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इवेंट एंड अ रैंडम वेरिएबल, यू शुड नो दिस आल्सो। इवन ये आपके कॉलेज के टीचर को भी नहीं पता होगी ये बातें, बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी जो इवेंट्स। जैसे कि आपने क्या किया, ए को लिख दिया इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, सो देन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। No head means all tails, which is 1/4. So this is an event, right? Now I talk about a random variable. So in a random variable, what do we talk? Dear, listen here. X is equal to 0 means X 0 ho gaya, dekho yahan par. Event of getting 0 head. So I'm talking about a numerical value. Now probability of X is equal to 0 is 1/4. So there is a hell lot of difference. हाँ, यहाँ हम number में बात करते हैं, quantity में बात करते हैं, वहाँ नहीं करते हैं. So in all, what we can say is event is not same as random variable. There are two different things. Yes. क्योंकि event ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप number में quantify नहीं कर सकते. ऐसे भी तो event हो सकते हैं. हाँ, तो हम सिर्फ उन्हीं को बात करते हैं जिनको हम नंबर्स में बता सकते होते हैं। सो इवेंट रैंडम वेरिएबल के बाद सेम हो बात, ये सेम जरूरी नहीं है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैंडम वेरिएबल एंड इवेंट।
we have given a numerical value to it, numerical value. Yes, so random and variable dono ko define karta hu. So random word usually denotes with capital letter, with capital letter. हाँ, किसी भी इवेंट को डिनोट करते हैं किसी तो कैपिटल नॉर्मल एक्स वाई जेड ऐसे कैपिटल है. मोस्ट कॉमन क्या है इसमें कैपिटल एक्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट डियर रैंडम वेरिएबल में वेरिएबल की बात करें डिनोट्स विद स्मॉल लेटर्स विद स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल है ना. और अगर मैं पूरी बात करूं इस भाई साहब की लाल रंग से ढक देता हूं उसको पूरी और पूरे वर्ड रैंडम वेरिएबल की बात करूं तो पूरे वर्ड की. सो वी टॉक अबाउट रैंडम वेरिएबल इज अ नंबर दैट काउंट्स और measures something on the elements. ये हाँ ये तो मैंने बता दिया random variable different from events. हाँ ये भी बता दिया और random variable क्या होता है कैसे letters denote करते हैं ये बात भी बता दी. अब थोड़ा सा अपने पुराने तरीके में भी थोड़ी बात बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ मैं इस बात है ना. तो पुराने तरीके में क्या कहता था मैं पहले वो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को हमने दो हिस्सों में बांट देते हैं रैंडम वेरिएबल में. तो कैपिटल एक्स इज रैंडम वेरिएबल जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा और उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं बेटा. हाँ वो दो हिस्से भी बांट के दिखा रहा हूँ. एक हिस्से को डिस्क्रीट बोलते हैं बेटा डिस्क्रीट. उस हिस्से को डिस्क्रीट बोल सकते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं और एक हिस्से को बोलते हैं मेरे बेटा कॉन्टिन्यूस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. कॉन्टिन्यूस जैसे मैं समझाता हूं डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल. हाँ तो जैसे काउंटेबल कैसे बात कर सकते हैं बहुत बेसिक लैंग्वेज. अब डाइस में बताओ कितने फेसेस होते हैं. सिक्स. यस तो वी कैन काउंट दोस फेसेस. सो व्हाटएवर वी कैन काउंट इज डिस्क्रीट एंड व्हाटएवर वी कैन मेजर इज कॉन्टिन्यूस और वी कांट काउंट. तो यहाँ काउंट कर सकते हैं बेटा. सो डाइस के सिक्स फेसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 वी कैन काउंट है. और लेकिन अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं जैसे रेंज लिए मैंने देखना बेटा ध्यान से यहाँ पर. सो दिस इज 0 है दिस इज 100 है. तो 0 से 100 में कितनी वैल्यूज आ सकती है देयर कैन बी इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज राइट. तो कोई भी वैल्यू ले सकता है वो दे कैन टेक एनी वैल्यू. तो दैट इज कॉन्टिन्यूस. जैसे एन इवेंट कैन टेक अ वैल्यू 0.342 it is continuous and event can take a value say 0.666 and event can take a value 0.7964. this is all continuous. to kehne ka matlab jisko maine countable. ab discrete ke points dekho kya points hai hamare can be counted. wo har cheez discrete hogi jisko hum count kar sakte hain. okay next exact values. हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए डेसिमल्स में नहीं. कॉमनली ये इंटीजर्स होते हैं कॉमनली इंटीजर्स बट नॉट नेसेसरी. जैसे कि क्रिकेट का बट नॉट नेसेसरी. अब जैसे कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वो हर चीज कॉन्टिन्यूस है. कैन बी मेजर्ड जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे क्या चीज मेजर कर सकते हैं एरिया लेंथ वॉल्यूम. व्हाट कैन बी मेजर्ड इज लेंथ कितने फीट है एरिया वॉल्यूम टाइम एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड वेट
हाँ टेम्परेचर, तो विच कैन बी मेजर्ड एंड वैल्यूज विद एन इंटरवल, वैल्यू जो उसकी आएगी विद इन एन इंटरवल, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, ये डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे, तो मेरे बेटा डिस्क्रीट के एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर वन नंबर ऑफ गोल्स इन अ फुटबॉल मैच, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ फुटबॉल मैच, गोल्स स्कोर्ड इन अ फुटबॉल मैच, जीरो वन टू थ्री, वी कैन काउंट, यस। एग्जाम्पल टू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन काउंट, से फोर एट अ पॉइंट, इसको एट अ पॉइंट भी बोलते हैं। और यहां पर जैसे मैंने बताया जिसको हम एक इंटरवल में बताते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर होगा 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एक इंटरवल में बताया। जैसे कि इंतजार, वेटिंग टाइम, इंतजार, जैसे क्लास मान लो स्टार्ट होनी थी 1 बजे और मैंने शुरू की 1:10 पे, तो इंतजार किया आपने 1 बजे से 1:10 तक। जैसे कि लॉस, लॉस अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो आप इंटरवल प्रिडिक्ट करोगे सर, 0 से 50,000 हो सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब जिन चीजों को हम एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, एट अ पॉइंट, हाँ न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू देते हैं वो डिस्क्रीट है, और जिन चीजों को एक इन एन इंटरवल करते हैं वो सब कैसा है मेरे बेटा, कॉन्टिन्यूस है। देखा ईशा, बिल्कुल डिफरेंट स्क्रिप्ट दी है इस बार। यस सर, लास्ट टाइम खाली एट अ पॉइंट और इन एन इंटरवल था। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, मर्ज करना होता ना बच्चों को। टीचर हैज अ कला कि एक टॉपिक को 5 मिनट में कैसे पढ़ाते हैं, 15 मिनट में कैसे, और 1 घंटा भी लगा सकते हैं उस टॉपिक पे। तो लगभग जैसे बैचेस बनते हैं ना, जैसे 2-3 बैच छोटे छोटे बन के 5-6 बच्चे इकट्ठे होकर एक बैच बनता है, तो जो बैकअप में आता है उनको फिर कवर कराया जाता है। अब जैसे आप फर्स्ट हैं, आप डिटेल में करेंगे, आपके पीछे जो आएगा वो डिटेल में नहीं करेगा, वो सीधा बैच में मर्ज होगा। तो ये एडवांटेज रहता है उसको। तो अब जैसे ये समझ में आ गया बच्चों के, नहीं आ गया पहले बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, तो जिस चीज को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, एक फिक्स्ड वैल्यू दोगे तो डिस्क्रीट, और डेसिमल वैल्यू आएगी तो भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 100, और काउंट कर सकते हो तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट है। ओके, मैं चले जी आगे चलते हैं फिर। ये तो मैंने आपको बता दिया रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस कैसा कैसा होता है। अब आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट वाले से। पहले बेटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, डिस्क्रीट में क्या पीडीएफ सीडीएफ क्या होता है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कैसे पता चलेगा डिस्क्रीट है, अगर उसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे नंबर्स में रेंज ऐसी होगी जिसकी एक्स की, 0, 1, 2, किसी की भी रेंज देख के पता चलता है कि वो डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है। तो यहां फंक्शन का नाम होता है बेटा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या हर लेखक की अपनी कहानी, मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलता है पर मतलब सेम ही होता है। इसको कुछ PMF बोलते हैं,
सो कुछ किताबों में इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से भी लिखा जाता है. या कुछ किताबों में इसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं. डिस्क्रीट का पीडीएफ. हाँ, तो ये सब नामों से इसको जाना जाता है. नोटेशन सबसे पहले कैसे लिखते कैसे हैं इसको. नोटेशन देखो, आप इसको ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. आप इसको ऐसे लिखो, एफ एक्स एक्स. आप इसको ऐसे लिखो, एफ ऑफ एक्स, सफिक्स में से एक्स हटा दो. आप इसको ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. ये सब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है सारे सारे. They all are same. So, ये सब का मतलब एक है, probability exactly at a point. इन सब का एक ही मतलब है बेटा, probability exactly at a point. At a point x. X की probability बोलते हैं. So, whatever the notation I choose here, I choose this notation here. This is commonly used. ये सर बोलोगे सर suffix में x लगाए, क्यों लगाए suffix में x? ये बताने के लिए कि कौन सा रैंडम वेरिएबल है. जैसे हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो सम प्रॉब्लम्स इन एग्जाम दे डू नॉट डिफाइन विच रैंडम वेरिएबल वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आवरसेल्फ हैज टू डिसाइड कि ये डिस्क्रीट की प्रॉब्लम है कि कॉन्टिन्यूस की है. हमें डिफाइंड नहीं होता है. तो इसलिए मैंने वो वाला चूज किया जिसमें सफिक्स में एक्स नहीं है. मीन्स इन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी आर नॉट गिवन दैट दिस एक्स इज विच रैंडम वेरिएबल. वी हैव टू चेक अपने अपनी नॉलेज से देखना है कि डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है. ऑफ कोर्स रेंज देखेंगे. रेंज अगर 0, 1, 2, 3 ऐसी है तो इसका मतलब डिस्क्रीट है. नेक्स्ट, कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब होगा? पहले तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने की कुछ कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट की 0 से 1 में होनी चाहिए. ओके जी. और दूसरा, सभी पॉइंट्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं तो उनका सम 1 आना चाहिए. आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे मेरे बेटा कि एफ एक्स इज बिटवीन 0 to 1 और समेशन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 1. हाँ, नोटेशन है बेटा, किसी भी तरीके से लिख सकते हो. तो पीएमएफ होने की 2 कंडीशंस है हमारे पास. अब जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा. एग्जाम्पल नंबर 1, पहले तो मैं बताता हूं पीएमएफ और कैसे लिखा जाता है. एग्जाम्पल 1, जैसे कि ये कोई फंक्शन है मेरे बेटा. आई गिव एन एग्जाम्पल x बाय 6. डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगा इस बार और भी अच्छे अच्छे 1, 2, 3. पहले तो चेक करो क्या ये फंक्शन डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट है बेटा. इसकी रेंज देख के पता चलता है ना ईशा? यस सर. हाँ, 1, 2, 3 रेंज है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बेटा? डिस्क्रीट. हमें बोल रहा है चेक करो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए वी विल ड्रॉ अ बॉक्स. लाइक दिस इज द बॉक्स वी ड्रॉ एंड वी राइट एक्स हियर. And we write probability here. X can be 1, can be 2, can be 3. X 1 है probability 1 by 6. X 2 है probability 2 by 6. 3 है probability 3 by 6. तो sum 1 आ गया इसका. तो total probability 1 होगी. तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट की 0 से 1 में है? यस. yes. तो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है? यस. yes. तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. अब इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ग्राफ भी देख लेते हैं साथ साथ ही. तो यहां पर एक्स एक्सिस है बेटा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 एंड सो ऑन.
यहाँ प्रोबेबिलिटी है इसमें, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी है से 1/6, से 2/6, से 3/6, से 4/6 एंड सो ऑन। अब देखो बताओ पहले मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो ये ग्राफ ऐसे यहां तक जाएगा। 2 की प्रोबेबिलिटी 2/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 3/6, तो ये पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पीडीएफ मेरे बेटा, या पीएमएफ या पीडीएफ एक ही बात है। अरे आया समझ में बच्चों? अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास बेटा, पहले मैं समझा दूं कि पीडीएफ होता क्या है, फिर इसके बाद किस किस तरीके से उसको लिख सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो आपका एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस 2/5, एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले मुझे बताओ क्या ये डिस्क्रीट फंक्शन है कि नहीं? यस ये रेंज देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5 डिस्क्रीट फंक्शन है, तो कहता है चेक करो ये प्रॉपर्टी मास फंक्शन है कि नहीं। फिर से मैं वैसे ही एक बॉक्स बना देता हूँ बेटा, ऐसी सेम जैसे पहले बना रहा था, राइट और यहां लिख देता हूँ एक्स, और यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। अगर एक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है मेरे बेटा, एक्स 1 तो -1/5, एक्स 15 कर देता हूं उसको, चलो एक्स 2 तो 0, एक्स 3 तो 1/15, एक्स 4 तो 2/15, एक्स 5 तो 3/15। तो बताओ क्या ये पीडीएफ है? नो सर, नो सर। एक्स इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कैसी आ रही है? नेगेटिव, तो नॉट अ पीएमएफ या पीडीएफ, नॉट अ पीएमएफ। रीजन, ये डिस्क्रीट फंक्शन है पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। तो हर फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जरूरी नहीं है, एल्स हम और कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं बस, आपको एफ ऑफ एक्स दे रहा हूं, देखो बेटा सी टाइम्स 1/4 की पावर एक्स। पहले बताओ क्या डिस्क्रीट फंक्शन है? नहीं। हाँ क्यों नहीं है बताओ? किसी भी चीज को एक इंटरवल में बताओगे तब कॉन्टिन्यूस होगा। 1, 2, 3, 4, 5 हर पॉइंट पे बता रहे हो, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ क्रिकेट मैच में कितना स्कोर बना, सब एक पॉइंट पे आता है बेटा ये। सर अगर 1 और 2 के बीच के भी हम यूज करते तो वो कंटिन्यूअस होता पूरा, पर ये तो डिस्क्रीट है। यू आर राइट अंजनी, परफेक्टली करेक्ट। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं ना हम, तो वो कंटिन्यूअस होता। यहाँ हम फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन। नहीं समझे बेटा? शुभांग यस सर आ गया। हाँ तो ये डिस्क्रीट है मेरे बेटा। अब मुझे कह रहा है फाइंड सी such that, जब ऐसी रेंज होगी तो डिस्क्रीट ही होगा हमेशा, such that the function is PMF। कहता सी की वैल्यू फाइंड करो। जब भी ऐसा आ जाए फाइंड सी, तो तुम्हारे मन में ख्याल आना चाहिए क्या कि सर अंडर द रेंज ऑफ एक्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज इक्वल टू 1। आपका सी चलाएगा अपने आप, देखो अभी चलाया यहाँ पर। अंडर द रेंज ऑफ एक्स, बताओ एक्स की रेंज कहां से कहां तक? 1 to infinity। सी टाइम्स 1/4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। सी बाहर ले लेता हूं बेटा, और बारी बारी से एक्स की वैल्यू डाल देता हूं 1, 2, 3, 4, 5।
इज इक्वल टू वन. तो बताओ सम टू फाइनाइट जीपी क्या फॉर्मूला बना, इनफाइनाइट जीपी. ए फर्स्ट टर्म वन माइनस कॉमन रेशियो, याद है किसी को? ए अपॉन वन माइनस आर. हाँ, सम टू इनफाइनाइट जीपी इज ए अपॉन वन माइनस आर. देखो सी क्या थ्री आया क्या? सी देखो देखो बेटा, सी थ्री आया कि नहीं आया बताओ. वन अपॉन थ्री आएगा. तो सी क्या आया? सी निकालना ना अपने को. तो बेटा थ्री आएगा. यस थ्री ही आएगा बेटा. अगर इस सी की जगह पे क्या रख दूं बेटा, उठा के थ्री, तो पीडीएफ बन जाएगा. हाँ, तो ऐसे पीडीएफ बनाते हैं. एग्जाम्पल नंबर फोर, आप लिख कैसे ले सकते हैं? आप पीएमएफ को कितने तरीकों से लिख सकते हैं देखिए जरा. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. कहता है x इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और अदरवाइज 0 है. तो बताओ ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं? है सर. है. तो जो बेटा ये मैं f ऑफ x लिख रहा हूँ ना, या प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x लिख रहा हूँ, ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी For every possible value. जैसे इसी ऊपर वाले एग्जाम में, what is the exact probability of x is equal to 0? Is 0.4. What is the exact probability of x is equal to 1? Is 0.6. तो इस तरीके से भी आप अपना लिख सकते हैं. Example number 5 मेरे बेटा. We can write PMF in the form of little x. तो बताओ अगर c की वैल्यू मैं 3 रख दूं तो ये PDF बन जाएगा. In the form of little x. Form of little x. जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था, दोबारा लिख देता हूं. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं PMF को? 0.1x, where x की रेंज है 1, 2, 3 and 4 and 0 otherwise. हाँ जी बोलो बेटा. अब जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, यस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 बेटा, क्या होगा? 0.1. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 मेरे बेटा? 0.2 है ना. हाँ, वी कैन राइट. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एग्जांपल नंबर क्या था ये बेटा? 5, 6. So can we write PMF? PMF could be different function for different value of x. मतलब फंक्शन भी अलग और वैल्यू भी अलग. डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट फंक्शन है. एग्जांपल देखो बेटा, इसी में पी ऑफ एक्स. क्या ऐसे भी पीएमएफ को लिखा जा सकता है? देखना, एक्स बाय 36 वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. यस. तो अगर इसी में मेरे बेटा probability x is equal to 1 by 36, x is equal to 4. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? Yes sir. इन सब तरीके से हाँ बेटा हम PMF को लिख सकते हैं. probability mass function बोलो या probability distribution function बोलो, एक ही बात. distribution क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम total probability 1 होती है, उसको हर point पे distribute करते हैं. और ये यहाँ पर एक खास बात थी जो आप
मिस मत कर देना कभी भी गलती से. हाँ, जो पी एम एफ फंक्शन होता है प्रोवाइड्स एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू, एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स लिख देना, तो वैल्यू ऑफ एक्स कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स, हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी देता है. देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था वो बेटा, ऊपर सिक्स एग्जाम्पल सेवन बेटा, कहते हैं टॉसिंग थ्री कॉइन्स, टॉसिंग थ्री कॉइन्स फाइंड फाइंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ गेटिंग एक्स गेटिंग हेड्स. तो देखो सॉल्यूशन मेरे बेटा, पता है हाँ, जैसे हम नॉर्मल क्लासेस लेते हैं उसमें टीचर बहुत सारी बातें बोलता है, तो बोलता है तो उसमें से कुछ आ रहती है कुछ नहीं रहती है, तो यहां लिख दी है सारी बातें, इसका ये एडवांटेज रहेगा आपके पास हमेशा. तो टॉसिंग थ्री कॉइन्स का सैंपल स्पेस कैसे होता है, नंबर ऑफ फेसेस टू द पावर नंबर ऑफ टॉसेस, number of faces to the power number of tosses. A coin has how many faces? Two. How many times we are tossing? Three. So two to the power three answer aa jayega. So two to the power three is eight. So possible outcome is eight. To kya karo beta Aryan? Is eight ka half kar do. Half. To char head likh do mere beta. Aur char tail likh do. Phir is four ka half kar do. Two heads, two tails. फिर यहां पर टू हेड्स टू टेल्स, फिर इसका हाफ कर दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल्स हेड टेल्स, ये बन गया मेरे बेटा सैंपल स्पेस. अब इवेंट को डिफाइन करते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स का मतलब है इवेंट ऑफ गेटिंग एक्स हेड्स तो एक्स हेड्स क्या क्या हो सकते हैं. हाँ, जो सैंपल स्पेस है उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैंने बताया था. देखो तो एक्स हेड्स का मतलब यहां एक्स आ गया, यहां प्रोबेबिलिटी आ गई, जीरो हेड वन हेड टू हेड और थ्री हेड. अब ऊपर जाओ, जीरो हेड मींस ऑल टेल्स, ये वाला केस आएगा ना, जीरो हेड मींस ऑल टेल्स. सो एक ही केस है ऐसा, वन आउट ऑफ हाउ मेनी एट, वन हेड, देयर आर थ्री केसेस जहां पर वन हेड है, देयर आर थ्री केसेस जहां पर टू हेड्स है, देयर इज वन केस जहां तीनों के तीनों हेड है, एंड द सम इज वन, आई विल शो यू हाउ. देखो बेटा यहां पर तीन केस है जहां पर दो हेड है, एक दो एक दो, और यहां पर एक एक और एक, और ये एक तो है ही आपके पास. तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. हाँ, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अब इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था, एट अ पॉइंट बताता है प्रोबेबिलिटी, तो एक बार और ड्रॉ कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, ड्रॉ कर देता हूं. ये एक्स है मेरे बेटा, ये प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये जीरो है बेटा, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है. इधर प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा वन बाय एट, टू बाय एट, थ्री बाय एट एंड फोर बाय एट, राइट. देखो भाई ग्राफ, जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, वन बाय एट, वन की क्या है बेटा, थ्री बाय एट, टू की क्या बेटा, थ्री बाय एट, थ्री की क्या बेटा, वन बाय एट. ये ग्राफ बन गया पीएमएफ का बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ पीएमएफ. आ रहा है समझ में, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एट अ पॉइंट. ये जो सारी प्रोबेबिलिटी है
ये प्रोबेबिलिटी जो है एग्जैक्टली एट अ पॉइंट एक्स, एट अ पॉइंट एक्स, यस क्लियर है जी यहां तक? यस सर। अब आते हैं इसमें पीएमएफ में ना कुछ बात बताता हूं जैसे भी मैं वापस अपने डिस्क्रीट ही चल रहा है अभी भाई डिस्क्रीट को ही मेरे को ढंग से कराना है आपको। तो जैसे हमने रैंडम वेरिएबल बोला जिन चीजों को हम एक पॉइंट पर बताते हैं एट अ पॉइंट हाँ उनको डिस्क्रीट बोलते हैं, ऐसा ही मैंने बताया था बेटा। जैसे कि जब भी आ जाए वर्ड नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ मतलब वो डिस्क्रीट ही है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय ईशा, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय आर्यन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कभी भी नंबर ऑफ आ जाए तो वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही एट अ पॉइंट। क्रिकेट का स्कोर जैसे हम बात करते हैं 50 ओवर में मान लो 300 रन बन गए एट अ पॉइंट, है ना बेटा। तो जैसे आर्यन ने मैंने पूछा आर्यन व्हाट इज योर एज, कहते सर 17 इयर्स एट अ पॉइंट। ऐसे मैं और भी कुछ चीजों, आर्यन कितने बजे क्लास में आए थे आज आप, अराइवल की बात कर रहा था मैं आर्यन से, आर्यन सेड सर आई एग्जैक्टली केम एट 1। तो कहते हैं ये सारी एट अ पॉइंट बता रहे हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं डिस्क्रीट, जिस चीज को भी एक पॉइंट पे बताते हैं उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। तो कहते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स ना दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, यहां से सच में हो रही है दो हिस्सों में डिवाइड। तो दो हिस्से कौन से हैं मैं बताता हूं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया अब क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम दो हिस्सों में बटी, पहले डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस और फिर फर्दर बटी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अब व्हाट इज क्यूमुलेटिव, वो हर चीज क्यूमुलेटिव है जिसको हम एक पॉइंट तक बताते हैं अप टू द पॉइंट, और वो डिक्रीज नहीं करती है बेटा। हाँ अप टू द पॉइंट बताते हैं लेकिन वो नॉन डिक्रीजिंग होती है, इंक्रीज करे ना करे हमने ठेका नहीं उठाया पर वो डिक्रीज नहीं करनी चाहिए, तो उसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। जैसे समझाता हूं अभी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चार हैं, ये आज तक चार बच्चे हैं कि देखो एक पॉइंट पे बताया तो डिस्क्रीट है, अब ये चार बच्चे हैं आज क्लास में मेरी में, तो ये आज तक चार हैं कि आज चार हैं, आज तक आज चार हैं, आज कम आज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अरे भाई कोई एक छोड़ दे, एक मीटिंग छोड़ के चला जाए, कम हो सकता है ना बेटा। यस सर। हाँ तो नॉन क्यूमुलेटिव है। अब मैं आर्यन से पूछ रहा हूँ, आर्यन ने क्रिकेट का स्कोर है 50 ओवर में 300 बने, ये 50वें ओवर का स्कोर है कि 50वें ओवर तक का? 50 ओवर तक का है। हाँ कम हो सकता है ये? नो सर। तो ये क्यूमुलेटिव स्कोर है, तुमने एक पॉइंट पे बताया तो डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट का क्यूमुलेटिव हो गया, डिस्क्रीट का क्यूमुलेटिव। जैसे मैं बोला आर्यन यार कौन सा ओवर चल रहा है, तो आर्यन बोला सर 10वां ओवर चल रहा है, मैं क्या स्कोर हो गया, बोला सर 95 दबा के मार रहे हैं सर। मैं कहा आर्यन ने मुझे 10वें ओवर का स्कोर 95 बताया कि 10वें तक का बताया? 10वें तक का। कभी भी 10वें तक का ही बताते हैं हमेशा, 10वें ओवर का कोई नहीं बताता, तुम कभी भी ट्राई कर लेना। तो क्यूमुलेटिव स्कोर होता है, देखो बताया एक पॉइंट पे ही है हाँ, लेकिन वो जो नंबर है वो 300 वो 50वें ओवर तक का स्कोर और कम नहीं हो सकता। एज आर्यन तुम्हारी एज आज 17 है कि आज तक? आज तक। कम हो सकती है? नो सर। अराइवल कहता सर मैं एग्जैक्टली 1 बजे आया था, 1 बजे तक नहीं आया, एग्जैक्टली 1 बजे आया। तो कहने का मतलब जो डिस्क्रीट की प्रॉब्लम्स है दो हिस्सों में बढ़ती है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में। क्यों? अगर अंजनी को प्रिडिक्ट करना है क्रिकेट का स्कोर अगले मैच में क्या होगा, तो बताओ अंजनी ये क्रिकेट का स्कोर कैसी प्रॉब्लम है? ये क्रिकेट का स्कोर डिस्क्रीट का क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम है, तो जैसी प्रॉब्लम है वैसा फॉर्मूला चाहिएगा मेरी बिटिया। yes, तो मैं प्रिडिक्ट करना है अंजनी कि मेरी नेक्स्ट क्लास में कितने बच्चे आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट की नॉन क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम है, तो वैसा ही फंक्शन चाहिएगा बेटा।
राइट तो जैसी प्रॉब्लम है वैसा फंक्शन चाहिएगा बेटा। हाँ तो अब हमें चाहिए CDF क्यूमुलेटिव, क्योंकि कुछ चीजें क्यूमुलेटिव आ रही हैं। अब तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। आर्यन तुम्हारे घर में कार है? यस सर। कितने किलोमीटर चल गई? 3-4 हजार तो चली गई होगी। अच्छा नहीं लिया मतलब लॉकडाउन में ही? हाँ जी। बड़ा फंस गए होंगे, ऐसा लगा यार अभी क्यों लिया बाद में ले लेते। मेरे पड़ोसी ने ना लॉकडाउन से पहले फॉर्च्यूनर बुक की थी, तो मुझसे पूछ रहा था कैसी चलती है। मैं कहा भाई बहुत चलती है, बहुत अच्छी गाड़ी है। पर मैंने कहा और भी अच्छी गाड़ियां आ गई अब तो, GLE वैली वो ले लो आप। नहीं नहीं वही पसंद है। अच्छा मुझे नहीं पता कब बुक कराया, मैं लॉकडाउन आया मैं ले आए। बोला यार वो बुक करा दिया, पैसे फंस गए हैं मेरे, अब लेनी पड़ रही है, लेने का मन नहीं है। हाँ क्यों महंगी मिली है? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया। सस्ती नहीं है चीजें, महंगी हुई है चीजें सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। चलिए जी लेट्स स्टार्ट। तो एट अ पॉइंट दुनिया की प्रॉब्लम। हाँ तो मेरा काम था आपको बताना कि अभी तक हम पढ़ रहे थे PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अब हमें PMF गिवन है और अब हम फाइंड कर रहे हैं CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अभी तक हम तो लॉकडाउन में लोगों की गाड़ियां महंगी मिली उनको जिन्होंने बुक करा दी। ओके लेट्स स्टार्ट। नोटेशन सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा इसको, FXX इसको लिखते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल X, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट X, जैसा मैंने नाम लिया था मेरे बेटा अप टू द पॉइंट X, पॉइंट X तक की प्रोबेबिलिटी। देखो लेस देन इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो एग्जैक्टली पॉइंट X होता, ये लेस देन और इक्वल टू। कैन आई राइट, बिकॉज दीज आर नोट्स आई हैव टू राइट, दिस इज लेस देन और मतलब चॉइस है बेटा, और इक्वल टू। तो ये CDF का मतलब होता है, नोटेशन है। अब इसका फॉर्मूला वॉर्मूला क्या होता है देखिए, पहली प्रॉपर्टी मिनिमम प्रोबेबिलिटी, लोअर बाउंड जो होता है उसका जीरो होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या अपर बाउंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी वन होता है हमेशा, और CDF नॉन डिक्रीजिंग होता है, इज नॉन डिक्रीजिंग। मैं बता चुका आपको ये बात, अगर पांचवें ओवर छठे ओवर से छोटा है तो पांचवें तक का स्कोर हमेशा छोटा या बराबर होगा छठे तक के से, होगा ना मेरे बेटा? यस सर। पांचवें ओवर में तक बने 50 रन तो छठे ओवर तक मिनिमम कितने बनेंगे? 50। हाँ अगर 0 रन बनाए तो 50 तो रहेंगे ना, कम थोड़ी हो जाएंगे। तो क्रिकेट का स्कोर इज अ गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो आई एम रिप्लेसिंग 5 and 6 बाय ए बी, सो इफ ए इज लेस देन बी देन एफ एक्स एट ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एट बी, सो दिस इज नॉट इक्वल। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल वन प्लीज देखिए यहां पर जरा, ऐसे जैसे मर्जी ग्राफ बना लो। यहां मैंने x लिखा हुआ है, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखा हुआ है, यहां प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट x लिखा हुआ है। हाँ जी तो ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 0 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 हेड्स की 3/8, 2 हेड्स की भी 3/8, 3 हेड्स की 1/8 एंड दिस सम इज 1। तो 0 तक की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 तक की 4/8,
टू तक की 7/8 और 3 तक की 1। क्या CDF और PDF में कुछ फर्क नजर आ रहा भाई? Yes, sir. ये CDF है, ये PDF है और ये X की रेंज है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। पहले तो समीशन है सर। कहाँ पर समीशन है बेटा? देखो बेटा यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे जा रहा है x। यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/8, यहाँ 2/8, यहाँ 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड फाइनली 1। ये ग्राफ है CDF। तो लाल रंग से बनाते हैं लाइनें। तो लेस देन 0 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8, 0 तक की। ओके, तो 0 तक की में मतलब 0 इंक्लूडेड होगा ना बेटा, क्या बोलते हो? लाल रंग नहीं है, कभी दिखाता हूं तुम्हें कुछ बात। 4/8, 7/8, 1। यहां 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहां 1 इंक्लूडेड है, यहां 2 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड है, यहां 3 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड, यहां 0 इंक्लूड नहीं, ओहो इंक्लूडेड है, और इससे पहले की प्रॉपर्टी सारी 0। अब इस ग्राफ को देखो, 0 तक की प्रॉपर्टी 1/8, 0.5 तक की 1/8, 0.6 तक की 1/8, 1 तक की सीधा 4/8, 1.5 तक की 4/8, 1.9 तक की 4/8, 2 तक की सीधा 7/8, 2.5 तक की भी 7/8, 3 तक की सीधा 1। तो ये CDF का ग्राफ ऐसा होता है, इट्स अ स्टेप ग्राफ, या पीस वाइज ग्राफ भी बोलते हैं, स्टेप ग्राफ। ये CDF का ग्राफ है। बोलो सर ये ऐसे कैसे बनाया आपने? यहां तो 1/8, 4/8 सिर्फ 0, 1 तक की, 2 तक की, 3 तक की है। मैंने इसको यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज किया देखो अभी बताता हूं। आप यहां ऐसे लिखते हैं इसको हमेशा, CDF याद रखना आगे से। सबसे छोटा नंबर है 0। अरे कहां चले गए भाई? एक तरफ इक्वल टू आएगा, एक तरफ नहीं आएगा, फिर एक तरफ इक्वल टू आएगा, एक तरफ नहीं आएगा, फिर एक तरफ इक्वल टू आएगा, एक तरफ नहीं आएगा, फिर एक तरफ इक्वल टू आएगा। तो ये 0 होती है प्रोबेबिलिटी 1। अब 0 तक की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, सबको पता था। 1 तक की 4/8 थी, 2 तक की 7/8 थी और 3 तक की 1 थी। यही बात मैं ऐसे भी ले सकता हूं, दोनों में फर्क देखो। अब क्या ये ब्लैक वाला ग्राफ और ये ब्लू वाला फंक्शन ये मैच कर रहे हैं दोनों आपस में क्या? अगर लेस देन 0 है, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो प्रॉपर्टी 0 है, 0 इंक्लूडेड है इक्वल टू है और 1 से छोटा है तो प्रॉपर्टी 1/8 है देखो, और 1 से 2 में 4/8 है देखो, और 2 से 3 में 7/8 है देखो, और 2 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये बनाया कैसे ये बताना चाहता हूं मैं भाई। कहाँ चलेगी वो ईशा? चलेगी तेरे आता हुआ ईशा को शायद। आप लोग बताओ अंजनी, आर्यन, शुभांग, समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। ये लिखने का तरीका है, मैं आपको लिखना शॉर्टकट तरीके सिखाता हूँ, देखो जल्दी से। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे मैं करूँ वैसे करना बस। आप कभी भी CDF लिखना तो ऐसे लिखना, f(x) मान लो आपको गिवन है x/6, x है 1, 2, 3, ठीक है। कहते CDF लिखो, बहुत इजी है। इस रेंज का सबसे छोटा नंबर क्या है इस रेंज में? अंजनी बोलो बेटा। 1 तो आप स्टार्ट करो लेस देन 1 से, एक तरफ इक्वल टू लगाओगे लेकिन एक तरफ इक्वल टू नहीं लगाओगे, और जो नंबर राइट में आएगा वही लेफ्ट में आएगा। क्या रेंज पूरी होगी दोनों तरफ 1, 2, 3, 1, 2, 3? यस सर।
मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी, मैक्सिमम हमेशा वन होगी। अब बताओ वन तक की, वन रखो यहां पर, वन तक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन अपॉन जीरो। टू तक की, इन दोनों को ऐड करके रखो यहां पर, वन अपॉन टू। थ्री तक की, इन तीनों को ऐड करके लिखो यहां। अरे वन ही आएगा ना? यस सर। हाँ, ऐसे लिखने का तरीका ये है। और ग्राफ देखो फिर से बनाया था मैं, चाहो तो ग्राफ ये जीरो है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। यहाँ एक्स है, ये प्रोबेबिलिटी है वन बाय सिक्स, टू बाय सिक्स, थ्री बाय सिक्स, फोर बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स और वन। लेस देन वन बताओ, लेस देन वन मतलब वन इंक्लूडेड नहीं है। देखो गोला खाली है, जीरो। वन से टू में क्या है? वन बाय सिक्स, तो वन यहां इंक्लूडेड है बेटा, लेकिन यहां टू इंक्लूडेड नहीं है, वन बाय सिक्स। टू से थ्री में थ्री बाय सिक्स, टू यहां इंक्लूडेड है बेटा लेकिन थ्री नहीं है। फिर थ्री से आगे वन, तो थ्री यहां इंक्लूडेड है, इससे आगे वन। आ रहा समझ में स्टेप ग्राफ? Yes, तो ये इस तरह का ग्राफ होता है CDF का। अभी नोटेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, रुक जाओ एक सेकंड, एक एग्जांपल और करा दूं ताकि थोड़ा और एक कॉन्फिडेंस आ जाए अपना। ये आपको PDF गिवन है या PMF गिवन है, तो फाइंड CDF बोल रहे हैं। कैसे करना है? फिर से वही कैपिटल एफ एक्स लिखो यहां पर। सबसे छोटा नंबर क्या रेंज का? वन, तो लेस देन वन से स्टार्ट कर दो। फिर एक तरफ इक्वल टू लगाओ, एक तरफ मत लगाओ। मिनिमम प्रोबेबिलिटी जीरो है, मैक्सिमम वन है। वन तक की प्रोबेबिलिटी है कितनी? ऐड करो देखो, वन तक की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, वन लिखो यहां पर, वन बाय फिफ्टीन। टू तक की, इन दोनों को ऐड करके लिखो। थ्री तक की, इन तीनों को ऐड करके लिखो। फोर तक की, चारों को ऐड करके लिखो। और फाइव तक की वन। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ग्राफ आप बनाना खुद इसका भाई, ग्राफ आप खुद ही बनाना। तो कहने का मतलब ऐसे लिखते हैं PDF और CDF को बेटा। ये CDF ग्राफ ऐसा होना चाहिए, हाँ, स्टेप ग्राफ होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट बताता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ नोटेशन की, प्रैक्टिस नोटेशन की प्रैक्टिस। मान लो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। जो जो बोलता जाऊं आप बताते जाइएगा प्लीज, सिर्फ मैं आपको नोटेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, लिखने का तरीका। ये प्रोबेबिलिटीज है, जीरो हेड, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली गेटिंग जीरो हेड्स? वन अपॉन एट। एग्जैक्टली गेटिंग वन हेड? थ्री बाय एट। Exactly getting 1.5 head? 0. अरे 0 impossible, 1.5 head आ सकते हैं? No sir. Exactly getting 2 heads? 3 by 8. 3 by 8. Exactly getting 4 heads? 1 by 8. 4 heads. अच्छा 4. No sir. नहीं आ सकते, 3 coin toss करूँगा, 4 head कैसे आएंगे भाई? 0. What is the probability up to 0 head? Up to 0 head? 1 by 8. 1 by 8. Up to 1 head? 4 by 8. 4 by 8. Up to 1.5 head? 0. 8. 4 by 8. 0 नहीं होगा बेटा। Up to है, वहां तक का पिछला वाला आएगा। अगर किसी बॉल पे 0 रन बने हैं तो वहां तक का स्कोर 0 ना होगा।
up to the point 4. 7, 8, 8. 4 तक की प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना मैक्सिमम, ऐड कर दो सारी. यस सर. नहीं समझ में आया. आ गया सर. आ गया सर. आ गया. मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी और CDF कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा. तो कहने का मतलब ये फंक्शन को ऐसे को PDF बोलते हैं, इसके माथे पे छपा है एग्जैक्टली. और ऐसे को CDF बोलते हैं, इसके माथे पे छपा है अप टू. तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एक्स, ये बताता है प्रोबेबिलिटी अप टू एक्स. अरे भाई फर्क है ना दोनों में. यस सर. तो ये मैंने कराया डिस्क्रीट का PDF और CDF. ये बहुत बेसिक सब कुछ बना बनाया मिलता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस कोई पूछता नहीं. सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको कंफर्म करने के लिए चीजें क्लियर की गई हैं सर, आगे के लिए कभी डाउट नहीं आएगा. तो आज की सभा समाप्त होती है यहीं पे. फिर सभा स्टार्ट होगी कॉन्टिन्यूस से. हमने डिस्क्रीट किया, फिर कॉन्टिन्यूस किया, फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन. PDF अभी आपके पास आ जाएगी. हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था सर कि ना अब जैसे मेरी बात में अगर जॉब लगी तो जयपुर में जॉब नहीं, मैंने ऐसे सुना था एक्चुअरियल साइंस के लिए. जयपुर में चार कंपनी बाहर ही लगी. नहीं, जयपुर में चार कंपनियां हैं SBI. अभी जैसे 3 महीने पहले मैं जब जयपुर में था, 5 महीने तो SBI लाइफ इंश्योरेंस की जॉब आई थी. उसमें साफ साफ बोला गया था जयपुर का रेजिडेंट चाहिए सर. डेलॉयट में, डेलॉयट भी है वहां पर, SBI लाइफ इंश्योरेंस भी है, बिरला सन लाइफ भी है वहां पर, LIC भी है. चार कंपनी है जो जयपुर के लिए ही मांगते हैं, लोकलाइट मांगते हैं. तो जयपुर में भी वैकेंसीज होती हैं, कंपनीज मांगती हैं, उनको प्रेफरेंस मिलती है बच्चों. लेकिन मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में है. लेकिन तो जयपुर में भी लग सकती है. जयपुर में चार कंपनी बता दी भाई तेरे को मैंने अभी, तो बढ़ेंगी कंपनियां, कम तो होंगी नहीं. तेरा वहां है डेलॉयट, तो वहां है जहां वो सारी कैब जाती हैं. कहां जाती हैं सारी कैब? ये टोल के पास इधर यार, अजमेर रोड पे. हाँ हाँ वहां पर है डेलॉयट का ऑफिस, DPS के सामने, बाखरोटा है ना. और बताओ भाई. सर ये हमारा CS1 का कंप्लीट कोर्स होने में कितना टाइम लगेगा? कंप्लीट कोर्स आपको कब एग्जाम देना चाहते हो आप? सर अप्रैल वाले ही अभी तो. हाँ तो तब तक तो 3 बार हो जाएगा, 2 बार तो कम से कम हो जाएगा. हाँ. शुरुआत में गाड़ी थोड़ी धीमी चलती है माल गाड़ी की तरह, और बाद में शताब्दी बनती है धीरे धीरे करके. जब आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं ना, आप ऐसे खट खट जवाब देते हो आप. अच्छा. हाँ तो शुरू में क्योंकि आपने किसी ने भी प्रोबेबिलिटी स्टैट्स बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है, तो हमें थोड़ा स्लो रहना पड़ता है बेटा. और एक और कारण है स्लो रहने का, हमें आपके बैच में बच्चे भी ऐड करने पड़ते हैं. बैच तो रिस्पेक्टेबल बनाना पड़ता है 10-15 बच्चों का. हाँ ये भी होता है, दोनों जेन्युइन रीजन दे दिए. और इस बैच में तो नोट्स बन रहे हैं तो अच्छा ही चलेंगे. ठीक है सर. क्योंकि हर चीज मैं लिखूंगा, That is the point. वरना मैं बोल भी सकता हूँ तो बोलूंगा. तो ठीक है जी अंजनी जी. यस सर. तो हम नेक्स्ट क्लास प्लान करेंगे आपकी, वेट करें आप. और बस नमस्ते जी, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. ओके बेटा.